मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एस एन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरिया सराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एफआई टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको ट्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम इन बिहार, किम्स सीबी सिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा इन फ्रंट ऑफ मिथिला मेनोट्री डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। बेस्ट टीचर्स से लीजिए क्वालिटी एजुकेशन, दरभंगा में अब कहीं भी पाइए होम ट्यूशन की सुविधा। क्लास 6 to 10+2, CBSE एवं ICSE बोर्ड, टारगेट बैच ऑफ नीट फिजिक्स, आज ही कॉल करें। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में, बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन्ड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन का पीछा कर रही पुलिस गाड़ी के पलटने से गाड़ी के चालक की हुई मौत। यह बड़ी खबर दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के NH-57 पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तेज गति से भाग रहे पिकअप का पीछा करने के क्रम में अनियंत्रित होकर पुलिस की गाड़ी पलट गई। इसमें पुलिस वाहन चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। इनका इलाज मधुबनी के पंडौल स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना दिन के करीब 4 बजे की बताई जा रही है। अन्य दिनों की तरह मंगलवार को भी मनीगाछी थाने की पुलिस NH-27 पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी क्रम में तेज गति से आ रहे पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया, जिस पर पिकअप वैन का चालक अपनी गाड़ी को और तेजी से भगाने लगा। इस पर गश्ती गाड़ी ने पिकअप वैन का पीछा शुरू कर दिया। उसी क्रम में यात्रियों से भरे एक टेम्पो को ठोकर मारते हुए पुलिस गाड़ी सड़क के दक्षिण किनारे अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10 फीट नीचे पलट गई। इसमें पुलिस वाहन चालक औरंगाबाद निवासी विनोद कुमार सिंह के पुत्र सिपाही रविकांत कुमार घटनास्थल पर ही मौत के शिकार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मनीगाछी थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, विपिन कुमार पासवान सहित टेम्पो में चोटिल यात्री को इलाज के लिए मधुबनी जिले के पंडौल स्थित RPS ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया तथा मृत चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कि उस राह पर चल करके हम देश को आगे क्यों बढ़ाएंगे, जो महात्मा गांधी ने अकेले चल करके आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अकेले निकले थे, और उनके पीछे जो देश से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो समाज से मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो अपने अपने घरों से निकल करके उनके पीछे चले गए और आजादी की लड़ाई लड़ी। तो हमारा कहना है कि जब हम सोच लेंगे तो हम कभी भी भुखमरी से लड़ाई जो है वो लड़ सकते, उससे लड़ेंगे। ये बेरोजगारी की जो मामला है उससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हमें अच्छी जिंदगी की जरूरत है। मैं एक छोटा सा शेर बातें कह करके मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। आपने खरगोश को देखा होगा, जिसे खड़ा कहते हैं। खरगोश जो है वो छोटा सा जानवर है, और चीता जो बहुत फास्ट दौड़ने वाला, बहुत तेज दौड़ने वाला। एक बार चीता को वो खरगोश दिखा, जो चीता कई दिनों से भूखा था, उसने सोचा कि हमें ये बहुत अच्छा खाना भोजन मिल जाएगा। तो चीता दौड़, छोटा चीता जो है शिकार करने के लिए दौड़ा। अब ये दौड़ रहा है, चीता इतना स्पीड दौड़ने वाला जानवर है कि दौड़ रहा है, और खरगोश जो है वो भी बहुत तेजी में दौड़ रहा है। इतनी तेजी में दौड़ता है, समझिए कि घंटों तक जो है वो चीता उस खरगोश को पकड़ नहीं पाया। तो चीता रुक गया, रुक करके आवाज दिया अपने जानवर की आवाज में कि रुको, मैं अपनी माँ की कसम कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तू बता कि तेरे पाँव में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, तू दौड़ कितना तेज में रहा है, जो हमसे भी ज्यादा तेज दौड़। तो उस खरगोश ने कहा
कि तू अपनी भूख को मिटाने के लिए दौड़ रहा था और मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ रहा था। तो आज हमें ये जरूरत है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी के लिए मुझे दौड़ना होगा उस सड़क पर जिस सड़क पर 2 साल से एक मसीहा एक इंसान आपको आगे की ओर बढ़ाने के लिए आपकी जिंदगी को बचाने के लिए 2 साल से 553 गांव में पैदल चल रहा है। वो कोई पागल है नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड आदमी जिसके अंदर भी ये सोच बनी कि हम इस बिहार में पैदा हुए और हमारा बिहार का ये कर्ज है जो मैं अपने जिंदगी में जो ईश्वर ने मुझे ताकत दी है जो इल्म जो ज्ञान दिया है शायद मैं एक अच्छा काम करके बिहार के मिट्टी का जो कर्ज है उसे अदा कर सकूं। तो उनके साथ आपको आने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से भुखमरी खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी शिक्षित हो, अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, चाहते हैं तो हाथ उठाइए अगर बेरोजगारी खत्म होना चाहते हैं तो चाहते हैं तो आपको जन स्वराज में आना पड़ेगा कदम से कदम मिला करके बिल्कुल एकदम बोलते हैं कि ऐसा दृढ़ शक्ति जो बोलते हैं कि मैं सोच लिया तो मैं करके दिखाऊंगा। एक इंसान जो चाहता है वो कर लेता है, कोई आदमी जो बच्चा अगर पढ़ता है अगर वो चाहता है कि मैं डीएम कलेक्टर बन जाऊं तो बन जाता है, कोई एसएसपी बन जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, ये सोच के ऊपर। तो ये जन स्वराज जो एक सोच है, ये सोच है। आपको बहुत सी कठिनाइयां आएगी, आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने बिहार में आपके इस बदहाली को क्या जो लोग गुनेगार हैं वो आपके बीच फिर आएंगे, आपको बड़गड़ाएंगे कि आप जो जा रहे हो ये गलत है, ये ऐसे है वैसे है, बहुत सी बातें आपको कहेगा। लेकिन आप अगर बोलते हैं कि एक ओथ ले लीजिएगा, एक कसम ले लीजिएगा कि नहीं मुझे बिहार का बदलाव चाहिए तो चाहिए। आज हम लोग भी सुखी संपन्न अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, मेरे कई स्कूल्स चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, ईश्वर का कृपा है कि हर चीज़ है। लेकिन मैं क्यों यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे मानव जाति पैदा किया और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं सही हूँ तो अपने समाज को एक सही राह दिखाना। आप सब गार्जियन हैं, एक गार्जियन अपने बच्चों को की जिम्मेदारी को सही से निभा लेता है तो उस घर का उस परिवार का जो बोलते हैं कि जो बच्चा होता है जो परिवार होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है। तो उसी तरह से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक परिवार को सुधारने के बाद एक समाज को सुधारिए। ये आपसे पूछोगी ईश्वर के यहाँ, मरने के बाद आपसे पूछोगी कि तूने शिक्षा भी प्राप्त की थी, तुम्हारे पास मैंने ब्रेन दिया था, अक्ल स्लिम यू हैव कंप्लीट माइंड टू थिंक, ब्रेन है तुम्हारे बीच जो है बहुत अच्छे लोग आए थे कि समाज के सुधारने में तुम अपना कदम बढ़ाओ, तुम भी अपना योगदान दो, लेकिन तुम नहीं माने, तुम नहीं माने, तुम उन शैतानों के चक्कर में पड़ गए जो शैतान बड़गड़ा बड़गड़ा करके आपस में झगड़े करवा रहा है, वो शैतान जो लोगों को भुखमरी के राह पर लेके जा रहा है, तुम उस शैतान के चक्कर में आकर के पूरे समाज को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो मरने के बाद भी सवाल होगा ये सोच लीजिए, ये स्वर्ग में जो है हर लोग ऐसे नहीं जाएंगे, महतो जी का दलाल नहीं है कि जो गए सब स्वर्गवास हो जाएंगे, नहीं, आपका हिसाब किताब होना है। अगर आप धर्म पर अपने विश्वास करते हैं, आप धर्म का ज्ञान रखते हैं तो ईश्वर ने हमें ये बताया है कुरान में कि मैं पमैया मल निष्काल अजर रत्ती सर्रैया, मैं तुमसे रत्ती रत्ती जर्रा जर्रा का हिसाब लूंगा। तो ये समझने की जरूरत है आप मानव हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके पास बुद्धि है दिमाग है, मैं आपको बगलाने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर कोई जो लोग बैठे हुए हैं ये स्कूल चलाने वाले लोग हैं, जिस स्कूल में जो चला रहे हैं सारे अच्छे अच्छे लोग आपके बीच आए हैं, कोई भी दागी लोग आपके बीच नहीं है, जो भी लोग आया है वो अच्छा लोग आया है और हम चाहते हैं कि हम आपको सही राह पर ले जाएं। और ईश्वर ने बताया कि तुम वो प्राणी हो कि जो अपने लिए भी अच्छा सोचते हो, अपने भाइयों के लिए को भी उनके लिए भी अच्छा सोचते हो, तुम उसमें से हो कि तुम अच्छे राह दिखाने वाले हो और गलत राह से लोग रोकने वाले हो, ऐसे प्राणी में है। तो हमें ईश्वर ने वो ताकतें दी, वो सोच दी, वो समझ दी। तो आज मैं आपको ये बताने आया हूँ, आप अगर यहाँ आए हैं तो आप आज ही कसम ले लीजिए कि नहीं मैं बिहार के बदलाव के लिए 5 वर्ष देखेंगे। देखते आ रहे ना, आप तो कई बरस गुजार दिया, 35 साल के अंदर में आपके यहाँ कितनी फैक्ट्रियां लगी, आप देखा आपके बच्चों के अंदर में इतनी हुनर है कि जो कपड़े आपने पहना हुआ है वो बच्चे आपके बनाते हैं, लेकिन आपके प्रदेश में नहीं।
जूते आपके बच्चे बनाते हैं, जो आपने खर्चा रखे हैं आपके प्रदेश में नहीं बनता है, क्योंकि आपके प्रदेश में जो आपके चुने हुए रहनुमा है वही गलत है। जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास सोच नहीं है, ऐसे विजन लेस लोगों को आपने चुन लिया जो बिहार को डुबा के रख दिया। और आप बता दें कि बिजली निर्वाचक निबंधन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 17 सितंबर तक दे सकते हैं आपत्ति या सुझाव। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आपत्ति या सुझाव को नहीं किया जाएगा स्वीकार। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली तथा उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों यथा 78 कुशेश्वर स्थान, अनुसूचित जाति 79 गौराबोराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी तथा 87 जाले के मतदान केंद्रों की युक्तिकरण के पश्चात मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची आम निर्वाचकों तथा राजनीतिक दलों को अवलोकन एवं दावा आपत्ति हेतु प्रकाशित की गई है। उन्होंने कहा कि आम निर्वाचकों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि प्रारूप सूची का अवलोकन कर यदि किन्हीं को प्रारूप सूची के विरुद्ध कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे लिखित रूप से अपना आपत्ति या सुझाव कार्यालय अवधि में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में 17 सितंबर 2024 तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। खेल विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 19 बालिका प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार स्पेशल आर्म पुलिस 13 के प्रांगण में मुख्य अतिथि रामानंद कुमार कौशल, कमांडेंट कुमार विजय अध्यक्ष, बिहार राज्य कबड्डी संघ दिलीप झा DSP, संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ दरभंगा, सुजाता कुमारी जिला परिषद सदस्य परिमल, जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। अतिथियों का स्वागत जिला खेल पदाधिकारी ने पाक चादर एवं जल जीवन हरियाली का प्रतीक पौधा प्रदान कर किया। इस अवसर पर बिहार बल भवन किलकारी की बालिकाओं के द्वारा स्वागत गान एवं नृत्य की सुंदर प्रस्तुति की गई। किलकारी की बच्चियों को मुख्य अतिथि में विशेष रूप से सुंदर प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया। सभी तकनीकी पदाधिकारी को चादर देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बेटियां देश का गौरव हैं और कबड्डी के मैदान में अगर ये अपना दमखम दिखाती हैं तो निश्चित ही दैनिक जीवन में भी यह सफलता का एक प्रतीक है। और कुमार विजय ने अपने वक्तव्य में बिहार में कबड्डी के बढ़ रहे प्रचलन एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब वह दिन दूर नहीं कि बिहार के हर गाँव से कबड्डी के खिलाड़ी निकलेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल और मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर नाका नंबर 6 DMCH रोड लहेरिया सराय दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह, रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजुरी का भी पक्का इलाज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारी एवं बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक। 14 सितंबर शनिवार को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में न्यायिक अधिकारियों से उनके न्यायालय द्वारा जारी नोटिस, प्री काउंसलिंग आदि की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोक अदालत को सफल बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। लोक अदालत में दावावाद, एक्साइज के मामले, शमनीय आपराधिक वाद, NI Act, विद्युत विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, मापतौल जैसे
मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिक से अधिक मुकदमा पूर्व मामलों को भी निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेंच में प्रतिनियुक्त न्यायिक सदस्य पक्षकारों को लोक अदालत के फायदों से अवगत कराते हुए मामले में सुलह समझौता कराएंगे। वहीं दूसरी ओर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैंक अधिकारियों के साथ भी समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को मामलों के निपटारे के लिए अपने स्तर से एक लक्ष्य तय करने को कहा। ऋण धारकों को आकर्षक एवं सुविधाजनक छूट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी अपना 100% सहयोग दें। पीजीआरसी विज्ञान वाणिज्य और शिक्षा शास्त्र संकाय की बैठक संपन्न। पीजीआरसी में कुल 96 सिनोप्सिस आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृत। मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान वाणिज्य और शिक्षा शास्त्र संकाय के पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च काउंसिल की बैठक कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई मंगलवार को कुलपति की अध्यक्षता में। पीजीआरसी की दूसरी बैठक कुलपति के आवासीय कार्यालय पर आहूत हुई। आज तीनों संकाय अंतर्गत 8 विषयों वनस्पति विज्ञान शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, जंतु विज्ञान शास्त्र, वाणिज्य, एमबीए और शिक्षा शास्त्र की इस बैठक में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के तौर पर भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए के राय, टीएनबी कॉलेज भागलपुर के प्रधानाचार्य और गणित विभाग के प्रोफेसर एस एन पांडे, भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र संकाय के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति और जंतु विज्ञान शास्त्र के प्रोफेसर फारूक अली उपस्थित थे। बैठक में सभी 8 विषयों में शोधार्थियों के सिनोप्सिस के शीर्षक कतिपय आंशिक संशोधन के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए। बता दें, वनस्पति विज्ञान शास्त्र में 11, रसायन विभाग के 5, गणित के 2, भौतिकी के 8, जंतु विज्ञान शास्त्र के 16, वाणिज्य के 20, एमबीए के 3 और शिक्षा शास्त्र के 31 सिनोप्सिस को स्वीकृत किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉ. अजय कुमार पंडित, तीनों संकायों के संबद्ध संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, उप परीक्षा नियंत्रक शोध डॉ. सुरेश पासवान, उप परीक्षा नियंत्रक व्यावसायिक डॉ. मनोज कुमार, उप परीक्षा नियंत्रक सामान्य डॉ. इंसान अली, उप कुल सचिव प्रथम डॉ. राजीव कुमार, विश्वविद्यालय शोध आंतरिक कमेटी सदस्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रणतांतरी भंजन, सभी संबद्ध विभागाध्यक्ष, विभागीय प्रोफेसर और सभी विषयों के कुलपति द्वारा नामित सदस्य उपस्थित थे। ध्यातव्य हो कि पीजीआरसी से सिनोप्सिस स्वीकृति के बाद ही शोधार्थी अपने चयनित विषय पर शोध कार्य प्रारंभ कर सकेंगे। आज सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। Years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा के मनीगाछी थाने की पुलिस की गाड़ी पलटी, थाना के ड्राइवर की मौत, कई कर्मी जख्मी, राजे टोल प्लाजा के पास NH-57 पर बड़ा हादसा। यह बड़ी दुखद और चौंका देने वाली खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा में मनीगाछी थाने की पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई, पलट गई और उसके पलट जाने से गाड़ी चला रहे पुलिस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े गश्ती के दौरान मनीगाछी पुलिस की गाड़ी पलटी, ऑटो से टक्कर हो गई, थाना के ड्राइवर रविकांत की दुखद मौत हो गई है। NH-57 पर राजे टोल प्लाजा के पास यह दुखद खबर है इस घटना की। गश्ती के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। कई पुलिसकर्मी सिपाही विपिन कुमार, ASI प्रमोद सिंह और सिपाही सत्येंद्र कुमार जख्मी हैं, जबकि ड्राइवर की मौत हो चुकी है। थाने के ड्राइवर औरंगाबाद जिले के ग्राम तेयाब थाना उपहारा के विनोद कुमार सिंह के पुत्र रविकांत की इस दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। कई पुलिसकर्मी जख्मी हैं। NH-57 पर राज्य टोल प्लाजा के पास यह दुखद हादसा हुआ है, जिसमें मनीगाछी थाने की पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर रविकांत की मौत हो गई है।
कई पुलिस वाले जख्मी हैं। जख्मी पुलिस कर्मियों में सिपाही विपिन कुमार, एएसआई प्रमोद सिंह, सिपाही सत्येंद्र कुमार शामिल हैं, जबकि ड्राइवर रविकांत की मौत की दुखद खबर है। NH-57 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मंगलवार आज दोपहर पिकअप का पीछा करने के दौरान राजे जायका होटल के पास ऑटो को बचाने के चक्कर में थाने की गाड़ी का पिछला हिस्सा ऑटो से टकराकर असंतुलित हो गया। इससे थाने की गाड़ी पलट गई। इसमें ड्राइवर रविकांत की मौत हो गई है, जबकि एएसआई प्रमोद सिंह, सिपाही सत्येंद्र कुमार एवं विपिन कुमार बुरी तरह घायल हो गए हैं। साथ ही इस हादसे में ऑटो चालक मधेपुर निवासी शशि कुमार भी बुरी तरह घायल हो गया है। सभी घायलों का इलाज पंडौल स्थित RPS अस्पताल में चल रहा है। तो इस वक्त यह बड़ी और दुखद खबर दरभंगा से। दरभंगा में राजे टोल प्लाजा के पास NH-57 पर मनीगाछी थाने की पुलिस की गाड़ी पलटी, थाना के ड्राइवर की मौत, कई कर्मी जख्मी।